एसआर रोबोटिक्स के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सतीश रावत और आप देख रहे हैं एसआर रोबोटिक्स। और बेसिकली सबसे पहले बता दूं मैं, ये दो पार्ट में वीडियो बनने वाला है। ये पार्ट वन है हमारा। इस प्रोजेक्ट का नाम है सिस्मोग्राफ बोल सकते हैं आप इसे, या फिर अर्थ क्यूब डिटेक्टर। मैंने क्या किया है, इसके अंदर अर्थ क्यूब जैसे आता है, मतलब भूकंप जैसे आएगा तो वो उसका इंडिकेशन हमें बजर के थ्रू मिलेगा और लाइट के थ्रू भी मिलेगा, और साथ साथ में कितना भूकंप हमारे रिकॉर्ड हुआ है वो भी आपको इसके अंदर पता लगे। तो आपको इसके अंदर और खास चीज़ ये पता लगने वाली है कि इस पार्ट को अभी तक YouTube में दोनों कंबाइन करके नहीं बनाया गया, तो मैंने पूरी डिटेल में इसको समझाया है, बहुत ही यूनिक है। मुझे किसी ने कमेंट किया था इसके लिए, शायद उनका साइंस प्रोजेक्ट था। तो आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, पूरा डिटेल में मैंने डिटेल दिया हुआ है, पार्ट वन पार्ट टू के अंदर दिया हुआ है। बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आपका किस तरह से बना, और मैंने पूरी इसमें डिटेल दे दी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दिया है इससे रिलेटेड, क्या कंपोनेंट मैंने यूज़ किए हुए हैं, बस ध्यान रहे आपको। और इसके अलावा मैंने अपने बेस्ट प्रोजेक्ट के वीडियो लिंक, इसके अलावा मैंने अपने जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे चैनल पर डले हुए हैं, जो मुझे लगता है कि अगर आपने वो बनाया नहीं है तो वो भी आप चेकअप कर सकते हैं। मैंने 10 to 15 लिंक्स नीचे डाले हुए हैं, वो मेरे चैनल के या फिर आपके साइंस एग्जीबिशन के अंदर बहुत ही हेल्प करेंगे। और अगर टीचर्स और स्कूल्स के प्रिंसिपल ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमारे नीचे दिए हुए मेल पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उनको प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देखिए आप पूरा डिटेल में। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. देखिए अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे बजर लिया है, एक एलईडी लिया हुआ है, मैंने रेड कलर का एक स्विच लिया हुआ है। ये जो रेजिस्टेंस जो मैं जोड़ रहा हूँ, ये पॉजिटिव लेग में जोड़ रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 150 ओम है। आप चाहे तो 150 ओम से लेकर 500 ओम तक का कोई भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसलिए यूज़ किया इसको, मैं इस स्विच की एक लेग में जोड़ रहा हूँ, इसका यूज़ इसलिए किया मैंने ताकि एलईडी जो है 9 वोल्ट से ख़राब ना हो, क्योंकि बजर तो चल सकता है लेकिन एलईडी ख़राब हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, बजर का जो रेड वायर है मतलब पॉजिटिव वायर, उस पॉजिटिव वायर पे थोड़ी सी लेयर चढ़ाई और उसको स्विच की उसी टांग पे जोड़ा है मैंने लेग पे, जहाँ पे मैंने रजिस्टर जोड़ा, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सोल्डिंग कर लिया हमने, इसको सूखने देते थोड़ा सा, और ये सूख चुका है पूरा अच्छे से। इसके बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं, जो बजर का हमारे पास नेगेटिव वायर है, ठीक है, वो ब्लू कलर का है, देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये वाला
ये वाला देखिए बजर का जो ब्लू कलर का नेगेटिव वायर है और बैटरी कैप का जो नेगेटिव वायर है मतलब ब्लैक वाला, उन दोनों का आपस में जोड़ा मैंने। ये दोनों वायर जो है हमारे एलईडी की छोटी लैग, जो छोटी लैग है वो नेगेटिव कहलाती है, उसमें शोल्ड करना है। तो पहले इसमें हम लेयर चढ़ा लेंगे ताकि ये टूटे नहीं है जॉइंट। देखिए अब मैं इसको नेगेटिव लैग, एलईडी की नेगेटिव लैग में जोड़ रहा हूँ, सोल्ड कर रहा हूँ। मैं इसका सर्किट डायग्राम भी इस वीडियो में अभी थोड़ी देर में ऐड कर दूंगा, वो भी आप देख लेना इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा नेगेटिव पार्ट। अब हमारे पास बचा क्या है, ये बैटरी कैप का पॉजिटिव और स्विच का एक टांग। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम दो वायर को जोड़ेंगे। देखिए मैंने दो वायर यहाँ पर ले लिए हैं। ये दो वायर कौन कौन से हैं हमारे पास, ये दो वायर में देखिए हमारे पास एक तो है येलो वायर जो हमने स्विच में जोड़ दिया है, और एक ग्रीन वायर है जो हम क्या कर रहे हैं रेड वायर में जोड़ रहे हैं। मैंने इसको एज अ स्विच कंडक्ट किया है एक तरह से। अब ये जो रेड और येलो वायर है ये हमारे एक पॉइंट पे रह गया। अब उन दोनों को जैसे ही हम टच करेंगे तो एज अ स्विच वो वर्क करेगा और ये अलार्म और इंडिकेशन चालू कर देगा। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे वायर को मैंने छीन लिया, यहाँ पे येलो वायर, इन दोनों ये जो दोनों वायर है इनको हम टच करेंगे तो एक साउंड जनरेट होगा। ये क्या सर्किट को टेस्ट करने का तरीका है, तो इसको देखिए हम टेस्ट करते हैं। मैंने स्विच को ऑन कर दिया है, उसके बाद इन दोनों वायर को टच करेंगे तो टेस्टिंग करने का। देखिए रेड लाइट जल रही है, बजर बज रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये काम कर रहा है। सो अब हमें क्या करना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने येलो वायर जो है बचा हुआ वो मैंने ऊपर से जो वायर बांधा था स्टार्टिंग में, नट बांधा था उससे जोड़ रहा हूँ मैं, सॉरी ग्रीन वायर को। आप चाहे तो येलो भी जोड़ सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ग्रीन वायर को ऊपर वाले वायर से जोड़ा है जो हमारे नट से होता हुआ नीचे वाले नट पर है, ठीक है। अब येलो वायर जो है आप दोनों में से कोई सा भी जोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग जोड़ना है। एक वायर जो लटक रहा है उसमें जोड़ना है, और एक जो है देखिए यहाँ पर मैंने इसमें जोड़ा है, क्या नाम है, जो नट मैंने होल करके लगाया था, ठीक है, जो सोल्डिंग किया था इस पे एक वायर को जोड़, दोनों में से किसी को भी जोड़ सकते हैं। ये चीज़ का खासकर ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो उसके बाद क्या करें, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं आराम से। ये बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है इस कंडीशन पे। सो गाइस फाइनली मैंने अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है srrobotics.in, जहाँ पे आपको मिलेंगे सब बेस्ट से बेस्ट यूनिक प्रोजेक्ट्स, और फास्ट डिलीवरी के साथ विद इन 3 to 4 डेज के अंदर आपके पास ये प्रोजेक्ट्स पहुँच जाएंगे, और शिपिंग भी फ्री कर दी है मैंने इसके अंदर। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है और आपके प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो वहाँ पर ऊपर कार्ट आएगा, उस कार्ट में क्लिक करने के बाद चेकआउट पर क्लिक करना है। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल में एड्रेस भरिए और पेमेंट कर दीजिए।